नुकसान में। बिहार विधानसभा चुनाव का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। लगातार जो मुकाबले हैं वो कांटे की टक्कर होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी आरजेडी तो कभी एनडीए, लगातार इस तरह की परिस्थितियां बनते जा रही है। क्योंकि अगर सुबह रुझानों की हम बात कर ले तो जो मुकाबला था टक्कर का था, आरजेडी भी और जो बीजेपी है दोनों बराबर चल रही थी। लेकिन अब जो रुझाने आ रही है उसके मुताबिक जो गठबंधन है यानी कि एनडीए है वो अब आगे चल रहा है और आरजेडी जो है वो पीछे हो गया है। तो इस पर हम ज्यादा बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट विष्णु स्वरूप, जो वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में आपसे बताएंगे कि क्या कुछ परिस्थितियां बन रही है। तो सर, क्या कुछ वर्तमान परिस्थितियां आपको नजर आ रही है चुनाव में, जो मतगणना अभी जारी है? देखिए, अभी तो मतगणना का कहीं पे 20वां राउंड है, कहीं पे 10वां राउंड है, ऐसे ही चल रहा है। तो मतगणना से अभी एक रुझान प्राप्त हो रहा है, लेकिन इन रुझानों को आप निर्णायक नहीं मान सकते हैं। कहीं 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर 500 से कम है, तो ये बाजी कभी भी पलट सकती है। फिर भी यह तो अवश्य है कि अभी तक जो रुझान हमें प्राप्त हो रहा है उसमें जदयू गठबंधन ने बढ़त बना ली है। लेकिन अगर सुबह अगर हम देखें जब 8:45 में 9 बजे तकरीबन जो रुझान आया था उसमें आरजेडी जो है वो आगे चल रहा था और जो बीजेपी है वो पीछे था, मतलब कि एनडीए की अगर हम बात कर ले तो। और अचानक से दोपहर तक जो पल रहा है वो बीजेपी की तरफ बढ़ गया, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआती रुझान का कोई मतलब वैसे नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजद को बिल्कुल ही मत प्राप्त नहीं हुए थे। तो पहली बार जो सुबह में हम लोगों ने देखा कि उन जगहों से बक्से खुले होंगे, मतगणना वहां से शुरू होगी जहां उनका क्षेत्र रहा होगा। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है राजद ने, तो इनका रुझान पहली दफा उनके पक्ष में था। लेकिन यह नहीं है कि ये रुझान किसी एक पार्टी के पक्ष में हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद फिर राजद की तरफ हो जाए, अभी एनडीए की तरफ है, तो ये तो क्रम चलता ही रहता है। तो क्या लगता है जो बीजेपी की तरफ जो भी बिहार का वोट प्रतिशत जा रहा है, बिहार की जनता बीजेपी को इस बार चुन रही है, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है परिस्थितियां है? देखिए, इसके पीछे कई कारण है। आपको एक तरह से सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा कि क्या कारण है कि इसने बढ़त प्राप्त कर ली, जबकि दूसरे सर्वे इस बात को नहीं मान रहे थे। तो इस स्थिति में आप एक तरफ से आप ये कैलकुलेट करिए कि महिलाओं का वोट जिसे सर्वे ने नकार दिया, इन महिलाओं को नीतीश की दारूबंदी पसंद थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जेडीयू को इस बार वोट प्रतिशत है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, 45 इस तरीके से सामने आ रहा है। नहीं, इसको ऐसे नहीं देखिए। पिछले दफा जो वोट परसेंटेज था और अभी जो है 24, 27, 17, 19 बहुत मामूली है, लेकिन सीटें ज्यादा लूज कर रही है जेडीयू। और इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि चूंकि सरकार में नीतीश कुमार थे, बहुत सारे निर्णय ऐसे थे, शिक्षकों की जो नियुक्ति थी संविधान के आधार पर उससे नाराजगी थी, बेरोजगारी का ऐसा मुद्दा तेजस्वी यादव के हाथ लग गया था जिसपे युवा बढ़ चढ़ करके आगे आए थे, और एक बड़ा फैक्टर चिराग पासवान भी रहे, जिसके कारण सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो वो नीतीश कुमार को हुआ। तो क्या लगता है जो आपने अभी कहा कि जो तेजस्वी यादव को युवाओं का साथ मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजद भी टक्कर दे रहा है एनडीए को? तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, राजद के पास एक नया चेहरा तेजस्वी के रूप में था, लेकिन तेजस्वी पूरी तरह से राजद का जो इमेज था, जो 15 साल पहले का इमेज था, उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सके, और यही है कि कई भागों में बढ़ गया। दूसरी बात है कि अब विकास की बात होती है, जाति की बात बिल्कुल नहीं होती है, तो ये भी राजद के साथ एक लूज करने का एक पॉइंट था। बेरोजगारी हिट मसला था, उसके पास एक रोड मैप था, तो हम मान लेते हैं कि ये चीज तो पसंद आया युवाओं को, इसलिए उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। युवाओं में तेजस्वी को एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी लोग देखने लगे, तो ये सारी बातें थी। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर भारी पड़ गया विकास, और जो जातिवाद से बिल्कुल अलग था वह। और एक बात और भी हमें याद रखनी चाहिए कि मजदूरों का जिस मसले पर जो अभी लोग बात कर रहे हैं, ये मजदूरों का जो मसला था
जितनी तेजी से मजदूर यहाँ कोरोना काल में आए बिहार में, उतनी ही तेजी से उनकी आधी जनसंख्या यहाँ से वापस लौट गई। इसलिए यह हल्ला तो हुआ कि पलायन था एक मुद्दा, लेकिन इसका कोई वोट के रूप में कन्वर्सन नहीं हुआ, वो वोट के रूप में टर्नअप नहीं हुआ, जिसका ये राजद दावा कर रहे थे कि यह वोट उनके पक्ष में, और अगर वो रहते तो हो सकता था ऐसा। लेकिन आपने पलायन की बात की, तो कोरोना हो गया या फिर बाढ़ हो गया या लॉकडाउन जो कोरोना काल में लगा, तो उस दौरान बीजेपी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया ऐसा, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इसको भी आप इस तरह से नहीं देखिए, विकास की बात अलग रखते हैं हम लोग, बाढ़ कोरोना में जितना हो सका सरकार ने किया, जहाँ तक होनी थी सहूलियतें तो पहुँचाई हैं, ट्रेनें चलाई, बहुत कुछ है, लेकिन यह एक सरकारी था, वो इनसफिशियंट था, वो पूरी तरह से नहीं था, तो नाराजगी स्वाभाविक थी। दूसरी बात, जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, तो बिहार का बाढ़ कोई एक दिन या दो दिन की कहानी नहीं है, ये 80 सालों से चला आ रहा है, और 80 सालों से सभी सरकार आई और गई, किसी ने अभी तक कोसी के बाढ़ को नहीं देखा, किसी भी बाढ़ को नहीं देखा। इसलिए वहाँ की जनता इस बात को समझती है कि यह एक निदान एक साल दो साल का नहीं है, इसके लिए सरकार को अपनी लेकिन जो सत्ता पक्ष भी है वो अपने अपने घरों में बाढ़ के दौरान बंद रहे, तो इसका देखिए इसका एक असर यह है कि वोट परसेंटेज जो रूप में बढ़ा है, इसको आप कह सकते हैं उनको पसंद नहीं आया नीतीश कुमार या मोदी का शासन का, इसलिए उसकी एक तरह से इनकार करते हुए उन्होंने वोट दिया, और नोटा में भी वोट ज्यादा गिर रहा है, तो ये सब दिखाता है कि उनको ये पसंद नहीं। एक सवाल और मेरा आखिरी आपसे, पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि सनसनी की तरह बिहार में फैली है, अखबारों के जरिए अपना नाम छपवा के बिहार में लोगों से, देखिए पुष्पम प्रिया चौधरी जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये एक सनसनी थी जिसके पीछे युवाओं की टोली काम कर रही थी, वो सोशल मीडिया को ही पूरा अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया था, और उसी के जरिए वो आगे तक जाना चाह रही थी, लेकिन हम यहाँ पर वर्चुअल से बिल्कुल अलग हैं, बिहार वासियों और हमारे जो मतदाता हैं जो वोटर हैं उनको बिल्कुल सामने में काम चाहिए, ये सोशल प्लेटफॉर्म से नहीं चलने वाला है। तो आपने सुना मुकाबले टक्कर की है, कड़ी टक्कर का मुकाबला होना है, तो ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, नतीजे का इंतजार करना होगा आपको भी, हमें भी, हम सबको अब नतीजे का इंतजार करना होगा, इसके बाद ही हम ये पता चलेगा कि बिहार में आखिर सरकार किसकी बनती है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ, नमस्कार।